वेलकम टू आवर व्लॉग। और अभी हम लोग मोमेंट वाले रास्ते से खूटी की ओर जा रहे हैं, वाटर फॉर्म जा रहे हैं, जाके देखेंगे कैसा वहाँ का स्विमिंग पूल एंड ऑल है। तो मेरे साथ है ये आलोकित, पटना से आया है वाटर फॉर्म देखने के लिए। अभी जाएंगे और उसके बाद देखेंगे कैसा सीन है और कैसा पूल है और क्या वहाँ पे फैसिलिटीज है। तो बने रहिए हमारे साथ, चलिए चलते हैं वहाँ पे। हम लोग वाटर फॉर्म में पहुंच गए, जो कि खूटी वाले रास्ते से ऑन रोड ही है, यहाँ से इधर कटता है। और इधर बहुत सारे लोग भी आ चुके हैं, गाड़ी वाड़ी लगी हुई है, बड़ी पार्किंग का सही एरिया है। इधर भी इधर रेस्टोरेंट वगैरह है, उधर में कुछ हट्स के जैसे बने हुए। अंदर जाते देखते हैं क्या क्या इसमें अवेलेबल है। बच्चों के लिए छोटा पार्क वार्क है यहाँ पे। अंदर हम लोग जा रहे हैं, वाह एनिवर्सरी वगैरह सेलिब्रेट हो रहा है यहाँ पे, छोटा सा रेस्टोरेंट है। बैठने का जगह, वाह शॉर्टकट, ये रहा पूल, ठीक है स्लाइड करके आप पूल में भी जा सकते हैं। ये रहा चीज का छोटा सा पूल पहाड़ों में। सो मोहित भी यहाँ पे है, एकदम रोल काट रहा है अलग वाला। तो स्लाइड है यहाँ पे, आराम से स्लाइड करके आप पूल में जाओ नहा वहा। का जो प्राइस है ऐसे सैटरडे संडे 400 रुपया है यहाँ पे, देख रहे हैं सब नहाने के लिए आया यहाँ पे। घर में पानी उनी नहीं आता, इसीलिए पानी तो आता है लेकिन ऐसा पानी कहीं नहीं मिलेगा, बस इसीलिए सब कोई आ गया यहाँ नहाने के लिए। क्लोरीन वाला पानी में सब चरका होके जाएगा यहाँ से। ये वाटर फार्म है यहाँ, ये चेंजिंग रूम है जो मेरे सामने में है। ये हो गया आपका वाटर फार्म रिजॉर्ट एंड ये चेंजिंग रूम। एंड हम नहा चुके हैं इसमें स्लाइड लाइट करके, मस्त जैसे लोग नहा रहे हैं यहाँ पे। और ये पूरा ओपन है, पूरा का पूरा, मतलब कोई भी वहाँ पे खड़े होकर आप लोग को देख सकते हैं, वैसा पूरा ओपन है। सो एक तो बढ़िया है, क्लोरीन भी प्रॉपर डाला हुआ है और पानी का लेवल भी ज़्यादा नहीं, 4.5 फीट तक ही है। सो ये चीज़ बहुत बढ़िया है। और लोग तो आप देख ही रहे कितने सारे आ चुके हैं यहाँ पे अभी नहाने के लिए। हम लोग सबसे पहले हम ही लोग गए थे यहाँ पे, स्विमिंग वगैरह कर लिए, अब चाहते खाना वाना खाते एंड फिर यहाँ से निकलेंगे। तो आप तो आराम से इसमें अपने कपड़े भी पहनिए यहाँ पे नहा सकते हो, जैसे वो स्पोर्ट्स वेयर होता है। और अगर नहीं है आपके पास तो यहाँ पे 400 रुपीज लगते हैं सैटरडे संडे के लिए, तो वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, उसी में सब कुछ इंक्लूडेड है। आँख वगैरह डालोगे क्योंकि क्लोरीन है इस पानी में थोड़ा, बट बढ़िया है, मतलब कुछ ज़्यादा ही नहीं है। मैं दिखा गया था वहाँ तो एक्सेस था, वो आँख वाँख लहर गया था पूरा ज़्यादा। के लिए सबको इंतजार कर रहे हैं, सब कोई थक चुके हैं सब। चटनी इल्ले, 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 इल्ले। खाना वाना सब यहाँ पे आ रखा है और कपड़े वपड़े तो यहाँ पे रख दिए, लेके जाएंगे यहाँ पे। खाना वाना आ रखा है यहाँ पे, मस्त बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है। देख रहे हैं कहाँ कहाँ से लोग आ रखे हैं यहाँ पे। ये मेरा हिमाचल का दोस्त यहाँ पे भी आ गया, जू जू फ्रॉम जू। तो ये है वाटर फार्म का खाना और ये है खाने वाले सब लोग। वेजिटेरियन है, वो नॉन वेजिटेरियन है, सब दबा के खा रहे हैं। अगर आपके पास पैसा वैसा नहीं है तो आप यहाँ पे नहाने के बदले वहाँ भी नहा सकते हो। ये सो ये है शाम का व्यू यहाँ का, बहुत बढ़िया सा लुक लग रहा है। पेड़ पे लाइट एंड ऑल, खाना भी हो गया, नहाना वगैरह भी हो गया। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे और अपने घर की ओर रवाना होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। बीजेपी का पार्टी है ये। तो ये है दूसरा बंदा जो हमारे साथ आया, बीजेपी का बंदा है ये, यही है
बीजेपी का अध्यक्ष है ये, इसी के वजह से हम लोग यहाँ पे फ्री में नहा पाए हैं। तो आप विकास जी क्या कहना चाहते हैं इस रिजॉर्ट के बारे में, जैसे आप यहाँ पे इंजॉय किए हैं, नहाए हैं? थोड़ा सा डेवलपमेंट का काम है, हमको दे देगा टेंडर तो हम बढ़िया से डेवलपमेंट करवा देंगे, वही है और कुछ नहीं। मोहित काम बन रहा, बाबा जानी दुश्मन वाला बन गया तुम तो यहाँ पे।